गाइस वेलकम बैक टू मैवरिक गेमिंग। तो अभी आपने टाइटल पढ़ के देख लिया होगा यार कि आज हम पबजी की वीडियो लाने वाले हैं और क्रॉस ग्लाइडिंग करेंगे आज हम। तो इसमें कुछ होता नहीं है क्रॉस ग्लाइडिंग में, आपको इस सिंपल ट्री के पर काफ़ी लोग नहीं जानते हैं, तो मैं जो नहीं जानते उसके लिए है और जो जानते हैं एक सेकेंड क्रॉस ग्लाइडिंग करूँगा उसमें भी देख लेना, थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है तो देखते रहिए वीडियो। तो अभी हम क्या करने वाला हूँ कि मैं अभी नोवेयर में उतरूँगा, नोवो में उतरने वाला हूँ, तो वो कम से कम 2200 कुछ मीटर दूर है। तो अब इसमें क्या होता है, आपको जो अगर आपका नोवेयर राइट में है, हाँ, और आपका लेफ्ट में भी आ सकता है, पर मेरा राइट में आया है, तो मैं क्या करूँगा, अब मेरा जो फेस डायरेक्शन है ना वो देखिए, मैं नोवे से थोड़ा लेफ्ट में फेस डायरेक्शन है, मैप में देखेंगे तो मेरा नोवे थोड़ा लेफ्ट में है, तो मेरा लेफ्ट में, पर मेरा डायरेक्शन पूरा नोवो की तरफ है, जो डायरेक्शन है पूरा नोवे की तरफ। तो आपको आपका फेस का डायरेक्शन और आपका मूवमेंट का डायरेक्शन बिल्कुल ऐसा रखना है कि आप डायरेक्ट नोवेयर में जाए, और आपको पूरा अपना जो वो होता है फेस का डायरेक्शन पूरा अप कर देना है जिससे आपका ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाए। ये बेसिक ट्रिक है और सिंपल ट्रिक है, ये आप सबको आती होगी और किसी लोग को नहीं आती, जो उसके लिए वीडियो, जिसको नहीं आती उसके लिए वीडियो है। सिर्फ आपको अपना जो फेस का डायरेक्शन है वो थोड़ा अप में रखना है और आपका जो मूवमेंट का है वो बिल्कुल क्रॉस में रखना है जिससे आपकी क्रॉस ग्लाइडिंग परफेक्ट होगी। और आप देख सकते हैं कि मैं नोवेयर ऑलमोस्ट तो पहुंच ही गया हूँ। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ पता है कि इसमें दो पार्ट होते हैं, आप क्रॉस ग्लाइडिंग से जा कवर तो कर पाएंगे डिस्टेंस, पर आपको अगर पूरी तरह ढंग से, मतलब 2200 मीटर पूरी तरह कवर करना है, तो आपको एक और मैं अभी ग्लाइडिंग बता रहा हूँ। इस ग्लाइडिंग में मैं क्या करूँ, मेरा एक दोस्त है वो है NFS, उसको क्रॉस ग्लाइडिंग आती है, तो वो भी मेरे साथ ही करने वाला है, वो भी हम उतरेंगे, यासना उतरने वाले हैं शायद, वो मेरे साथ ही उतरेगा, और उसको लेफ्ट ज़्यादा अच्छा आता है तो वो लेफ्ट कर रहा है, मैं राइट कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा जो डायरेक्शन है फेस का वो थोड़ा लेफ्ट में अपर साइड है, और जो मेरा मूवमेंट का कंट्रोल वाला है ना वो मेरा डायरेक्ट यासना की साइड है, तो इससे मैं क्रॉस ग्लाइडिंग ज़्यादा फास्ट उतर रहा हूँ। पर इसमें एक और पार्ट है, जब पैराशूट खुलता है तब आपको पूरा नीचे नहीं कर देना है, मतलब पूरा अप नहीं करना है, तो तुरंत से नीचे उतरेगा, ऐसा नहीं हमको नहीं करना, आपको डिस्टेंस कवर करना है ज़्यादा, अभी दिखाऊंगा मैं आपको, जैसे डिस्टेंस कवर थोड़ा आपको डायरेक्शन थोड़ा अप करना है फिर छोड़ देने का है, फिर आगे करना है फिर छोड़ना है, जैसे कि अभी उतरा मेरा वो हम मेरे साथ में, देखो NFS मेरे साथ में, पर मैं इससे आगे निकल जाऊँगा, देखो मैं थोड़ा अप रखूँगा फिर छोड़ दूंगा, अपना कंट्रोल थोड़ा अप करूँगा फिर छोड़ दूँगा, जिससे वो ज़्यादा कवर करता है डिस्टेंस। ये देखो थोड़ा अप किया फिर छोड़ दिया, फिर और अप किया फिर छोड़ दिया, तो अब देखो वो NFS मेरे साथ में था, मेरे पीछे हो गया, क्योंकि उसको ये ट्रिक पता हो गया, नहीं पता कि उसको पता नहीं है, इसके लिए वो थोड़ा पीछे उतरा है और मैं थोड़ा उससे आगे उतरा हूँ। तो ये है सेकंड पार्ट ऑफ क्रॉस ग्लाइडिंग, अगर आप ये दो पार्ट अच्छी तरह करोगे तो आप क्रॉस ग्लाइडिंग में बिल्कुल मास्टर हो जाओगे भाई। सो गाइज आपको कैसे लगी वीडियो यार कमेंट सेक्शन में बताना, सो लाइक शेयर और सब्सक्राइब गाइज, बाय बाय।